हेलो बच्चों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपको कि अब से हम रेगुलर यूट्यूब पे अपना एक लिंक भेजा करेंगे, आपको एक वीडियो शेयर करेंगे यूट्यूब पे, जिसमें आपको कुछ दिन पहले कुछ दिन तक रिवीजन करवाया जाएगा। जैसा कि आपका फोर्थ लेवल के बैच हैं, ओके, मेरे पास यहाँ फोर्थ लेवल के दो बैच हैं। एक फोर्थ लेवल संडे 5 to 7 जो तहसीन सर लेते थे, एंड सेकेंड वन इज़ फोर्थ लेवल सैटरडे 5 to 7 अभिनव सर लेते थे। जो तहसीन सर लेते थे उसका फोर्थ लेवल फोर्थ वीक था जब लॉकडाउन हुआ, और जो अभिनव सर लेते थे उसका 6th वीक था जब लॉकडाउन हुआ। डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम दोनों को एक साथ लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ दिनों तक हम रिविज़न करेंगे। रिविज़न माने, एक तो फोर्थ लेवल तक आपने जो भी सीखा है वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसी भी चीज़ को प्लस माइनस करना, या फिर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। इसके अलावा अभी कुछ आपका जैसा डिवीज़न वगैरह वो सब चीज़ें नहीं आई है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ 2-3 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी 2-3 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको उससे क्या होगा कि जो अभी तक किया है वो रिवाइज हो जाएगा। रिविज़न के बाद हम आपके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। प्रोसीजर ये रहेगा कि रोज़ाना आपको व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप बना हुआ था जिसपे अभी तक आपको वर्क देते थे, वही ग्रुप पे आपको एक लिंक भेजा जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी लाइब्रेरी में वो आ जाएगा। एक बार आपकी लाइब्रेरी में आ गया तो फिर ऑफलाइन बैठ के आप उसे आराम से देख सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो उसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो कुछ अगर नेट की कमी है तो बफरिंग होगा, ऐसा वैसा, तो ऐसा सिस्टम नहीं करना आपको। कंटिन्यू उसे डाउनलोड करके फिर चलेंगे। रीज़न इसका ये है, अभी 2-3 दिन तक जब रिवीजन चलने वाला है तब तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीज़ें, ठीक है। जैसे ही अपना ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं रेगुलर आपको क्लास वर्क की तरह ही काम करवाऊंगा। आपको मैजिक बार भी होंगे, आपको फ्लैश कार्ड भी होंगे, आपको लिसनिंग साउंड्स भी होंगे, तो वो आपको क्या करना है, वीडियो क्लिक किया, देखा, साथ के साथ में ही अपनी रफ नोटबुक पे उसको सॉल्व करना है, या बुक का जो भी पेज है वो भी आपको सॉल्व करना है। जब वीडियो शुरू करो तो यूसी मास का आपका बैग आपके पास होना चाहिए। बैग में से बुक, रफ नोटबुक, अपनी जो फिंगरिंग स्पीड बुक होती है, या बैकर्स पेंसिल, सब निकाल के टेबल पे रेडी रखो। फिर अपना जो भी गैजेट है, मोबाइल, लैपटॉप, उसको ऑन करो, वीडियो देखो, शुरू करो। अभी तो रिवीजन टाइम में आपको ऐसा करना है, पहले इत्मीनान से बैठो, अपना वीडियो पूरा देखो, फिर उसके बाद मैं वर्क बताऊंगा, वो आपको वर्क करना है। जब हम रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे तो आपको जो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा उसी के अंदर आपका सारा काम हो जाना है। कोई पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई आपको हेल्प करे। आप मुझे ऐसे ही एज्यूम कीजिए कि मैं आपके सामने हूँ और आपको सारी चीज़ें करवा रहा हूँ और आपको वो करते रहना, ओके। टाइम कम है इसलिए टाइम को कम यूज़ करते हुए मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अभी ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अभी आपने जो फोर्थ लेवल तक किया है वो किया है, या तो आपने किया मल्टीप्लिकेशन या आपने किया बेसिक एक्सरसाइज, दो ही आपने पार्ट किए हैं। तो पहले अपन मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, फिर अपन बेसिक एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं। वैसे तो अभी तक फोर्थ लेवल में जो भी मैंने वर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया आपने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ सब बच्चों ने किया है, लेकिन पिछले काफी दिनों से मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई आपकी। तो मल्टीप्लिकेशन को भी रिविजन मिलेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी थोड़े टाइम रिविजन मिलेंगे, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू आपका कोर्स शुरू करने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 9 × 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला नियम होगा, जितने डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 × 1 में कितने डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट एक ये वाला और एक ये वाला, दो नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगी 99 × 8, अब बताओ कितने नंबर ऑफ डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 नंबर ऑफ डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1, 2 and 1, 2 + 1 = 3, तो 3 नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अबैकस पे सेट करना सीखना है हमें कि अबैकस पे मल्टीप्लीकेशन के डिजिट को कैसे सेट करते हैं। मान लीजिए हमें सम करना है 9 × 1, ओके। तो 9 × 1 अगर हम करने वाले हैं तो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 और 1 2, तो हमें अबैकस की 2 नंबर रोड से हमारा मल्टीप्लिकेशन शुरू करना है। जैसे कि सेंटर पॉइंट जो आपका नंबर 1 रोड हो गया, और राइट साइड में जब आप जाओगे यानी कि 10s वाली रोड, वो आपकी नंबर 2 रोड होगी, ये आपकी नंबर 3 रोड होगी, ये आपकी नंबर 4 रोड होगी, ठीक है। तो अभी ये 9 × 1 सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट होगा, तो सेकंड रोड से आंसर शुरू होगा हमारा, ठीक है। पहला रूल क्लियर है, जितने नंबर डिजिट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 हो रहे हैं तो दूसरी रोड से,
99 मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहे हैं तो 3 डिजिट्स हो रहे हैं, तो तीसरी रोड से आपको मल्टीप्लिकेशन सेट करना शुरू करना है। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब एक और ये चीज है आपको क्लियर करवाई गई होगी कि जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर 2 डिजिट में आएगा, तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर 3 डिजिट में आएगा। तो अब दो नंबर कौन कौन से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 9 वन साइज 9 आप बोलते हो तो वो तो वन ही नंबर हुआ, 9 वन साइज 9 वन नंबर, लेकिन रूल क्या है कि आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए, तो 9 से पहले 0 पुट कर देंगे हम, तो हमारा आंसर होगा 09। सो 9 वन साइज 09, 5 वन साइज 05, 2 थ्री साइज 06। अगर आपको लास्ट फाइनल आंसर लिखना है तो आप 6 लिख सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर आपको उस नंबर को कहीं प्रोसेस में डालना है तो आपको 0 पुट करना ही पड़ेगा हर जगह। तो जब भी टू नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो तो माइंड सेट ऐसा रखो कि उससे पहले एक डिजिट का जीरो हम लगाएंगे, यानी सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आएगा। तो सेकंड रोड से हमें सेट करना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1 का, तो 9 वन साइज 09, तो हमारे पास अब दो नंबर है 0 और 9, तो यहां करेंगे 0, 0 तो है ही 0 और इस रोड पे 9, सो आंसर इज 9। ओके, अब हम जाते हैं 99 मल्टीप्लाई बाय 8 पे, 99 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितने नंबर है, 3 नंबर्स, तो नंबर 1 रोड, नंबर 2 रोड, नंबर 3 रोड यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब पहले आउटर नंबर मल्टीप्लाई होता है, इधर फोकस कीजिए सब, पहले आउटर नंबर मल्टीप्लाई होता है यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 देन 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 9 8 जा 56, तो थर्ड नंबर रोड से शुरू करेंगे 56, ओके, पहले थर्ड नंबर की चांस थी, अब 98 जा अगेन 56, अब कौन सी रोड की चांस है, ये थर्ड रोड से यहां से 56, अब सेकंड रोड की चांस है, सो 56, सो योर आंसर इज 616, सो 99 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 616, बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं दो तीन सम आपको और करवाता हूं मल्टीप्लिकेशन के, डबल डिजिट बाय वन डिजिट, लाइक 20, इधर यहां पे फोकस कीजिएगा सब, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 85 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 63 मल्टीप्लाई बाय 7, ये चार सम हम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो आपको पता है कि मैंने डबल डिजिट बाय वन डिजिट दिए, तो सभी के आंसर थर्ड रोड से सेट होगी, और थर्ड रोड आपको सेंटर पॉइंट 1, 10 वाली 2, 100 वाली थर्ड नंबर रोड, ठीक है। तो पहले आउटर नंबर यानी पहले 27 जा फिर 57 जा, ओके, तो 27 जा इज 14, तो थर्ड नंबर रोड की चांस है पहले 14, एंड फिर 57 जा 35, सेकंड नंबर रोड की चांस है 35, सो आंसर इज 175, योर फर्स्ट सम इज 4175। अब सेकंड नंबर सम है आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, थर्ड रोड से शुरू होगा, देन फर्स्ट 3 3 जा सिंगल डिजिट नहीं आएगा तो पहले 0 लगाएंगे, थर्ड रोड की चांस है 09, दो नंबर है 09, तो इस पे 0 आ गया, इस पे 9 आ गया। अब सेकंड रोड की चांस है 5 3 जा इज 15, तो यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 5, सो योर आंसर इज 105। सम नंबर 3 इज 85 मल्टीप्लाई बाय 4, तो पहले 8 4 जा 36, थर्ड रोड से 36, एंड 5 4 जा 20, सेकंड रोड पे 20, सो आंसर इज 380। नाउ सम नंबर 4 इज 63 मल्टीप्लाई बाय 7, तो पहले 6 7 जा देन 3 7 जा, तो 6 7 जा 42, थर्ड रोड से 42, एंड 7 3 जा 21, सेकंड रोड से 21, तो योर आंसर इज 441। अच्छा, अब एक मुश्किल सा सम और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इसमें कोई वो नहीं है, अगर सम जितना बड़ा होगा उतने रोड से ज्यादा कलेक्ट करनी है, अपन करते हैं 1 2 3 4, चलो 3 डिजिट करते हैं, 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है इसमें, तो आंसर 4th रोड से शुरू होगा, क्लियर। पहले करेंगे 2 2 जा फिर 3 2 जा फिर 4 2 जा, गॉट इट, तो रोड सेट करते हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, अब 2 2 जा इज 4 और 0 4 0 4, तो 4th रोड पे 0 और फिर यहां 4, ये 0 वाले कांसेप्ट के लिए मैं आपको ये करवा रहा हूं,
फिर 3 2 6 6 और 0 6 0 6, तो अब थर्ड रोड की चांस है, डिजिट 2 हो गई 0 6, तो थर्ड पे तो 0 और उससे आगे 6। अब सेकंड रोड की चांस आएगी 4 4 4 2 0 8, तो सेकंड रोड पे 0 और इस रोड पे फर्स्ट रोड पे 8। योर आंसर इज 4 6 8। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको ये वीडियो तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं मल्टीप्लीकेशन वीडियो पे नहीं दे सकता होमवर्क के लिए। तो मेरे पास एक ऐसी शीट है, ये शीट आप देखिए, इसमें 100 मल्टीप्लीकेशन के सेट है, सम है। ये 100 मल्टीप्लीकेशन के सेट में जब आपको ये लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ, तो इसकी फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट लिंक के नेक्स्ट यही फोटो डालने वाला हूँ। आपको क्या करना है, फोटो में से तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करो, फोटो का प्रिंट आउट निकलवाओ, गॉट इट, फोटो का प्रिंट आउट निकलवाओ। और थोड़ा सा मुश्किल होगा, आसपास कोई भी शॉप होगी वहाँ जाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ और उस पर करके अपना आपका होमवर्क यही होगा। आपको सिर्फ ये 100 सम करने हैं और कुछ मैं एक बेसिक एक्सरसाइज देने वाला हूँ, वो करना है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन के 100 सम करो, डन, फिर बेसिक एक्सरसाइज कर दो। तो दोनों बेसिक एक्सरसाइज का आंसर लिखना है, सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा बेसिक एक्सरसाइज, वो आंसर लिख दो यहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेज आप फोटोकॉपी करवा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर दिया नीचे या कहीं स्पेस हो, ठीक है, तो वहाँ पास में लिख दो टुडेज बेसिक एक्सरसाइज आंसर इज दिस, दैट्स इट। तो मैं और क्लिक करके पिक्चर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, अपना नाम लिख के, तो फिर हम उसे चेक करके कंसीडर करेंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ओके ओके, नाउ अब हम आते हैं बेसिक एक्सरसाइज पे। बेसिक एक्सरसाइज जो आज आपको करनी है बहुत सिंपल है, आप कर चुकी हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से करते हैं। आपका डिजिट है 5390, आपको अबैकस पे सेट करना है 5390। इसमें से आपको करना है -1 2 60, यानी कि 1 से लेके 60 तक कंटिन्यू माइनस करना आपको। तो इसमें आपका प्लस माइनस का बेसिक एक्सरसाइज सारा आ जाएगा, ठीक है। तो सेट करेंगे अबैकस पे 5390, सेट कर लिया। अब आपको सबसे पहले 1 to 60 माइनस करना है, इट मींस पहले करना है -1, फिर -2 -3 -4, ऐसा 60 तक माइनस करना है। तो अब आप सब अबैकस में फोकस कीजिए, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको प्रॉपर पेंसिल होल्ड करके फिंगर मूवमेंट प्रॉपर करके करना है। इस पर मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये बड़ा अबैकस है, सेकेंडरी अगर मैं प्रॉपर राइट हैंड से करूँगा तो आपको बीट्स विजिबल नहीं होगी, इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से इसको ऑपरेट करने वाला हूँ, ताकि आप सबको मैक्सिमम टाइम ये विजिबल हो पाए। सो सबसे पहले करना है -1, सो -10 + 9, गॉट इट। नाउ -2 नाउ -3, कैसे करेंगे, -5 + 2, -4 डायरेक्ट, -5 के लिए -10 + 5, फिर -6 के लिए -10 + 4, फिर -7 डायरेक्ट, फिर -8 के लिए -10 + 2, फिर -9 के लिए -10 + 1, फिर -10 डायरेक्ट, फिर -11 -10 डायरेक्ट और -1 11, -12 -1 -2, -13 -10 एंड -3 के लिए -10 + 7, बीच में 9। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। अब -14, सो -10 - 4, -15 -10 - 5, -16 -10 - 6, फिर -17, सो -10 एंड -7 के लिए -10 + 3। नाउ -18, सो -10 और -8 के लिए -10 + 2। नाउ -19, सो -1 एंड -9 डायरेक्टली। नाउ -20 के लिए -10 + 8, हो गया -20। नाउ -21, -20 और -1 करने के लिए -10 + 9, -21। नाउ -22, तो -20 और -2 डायरेक्टली, फिर -23, तो -20 डायरेक्टली और -3 के लिए -5 + 2। नाउ -24, तो -20 के लिए -10 + 8 और -4 डायरेक्टली। नाउ
-25 -20 और -5 के लिए -10 + 5. नाउ -26 -20 और -6 के लिए -10 + 4. -27 -20 डायरेक्ट एंड -7 डायरेक्ट. नाउ -28. सो -20 करने के लिए अब देखो थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, आपके पास है 5012 और माइनस करना है आपको 20. तो -20 करने के लिए हमें क्या करना है, -10 + 8, बीच में ये रोड खाली है, इस पे 9 करेंगे, ठीक है. -20 हो गया और -8 के लिए -10 + 2. ये मूव आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो. नाउ -29 -20 एंड -9 के लिए -10 + 1. -30, तो -30. नाउ -31 -10 + 7 फॉर -30 एंड फॉर -1 -5 + 4. -1 हुआ 31. नाउ -32 डायरेक्टली -33. सो -30 एंड 3 के लिए -10 + 7. -34 -30 के लिए -10 + 7 एंड -4 डायरेक्टली. नाउ -35 -35. नाउ -37. सो -30 के लिए -5 + 2 और -7 के लिए -10 + 3. नाउ -38 -30 के लिए -10 + 7 एंड -8 के लिए -10 + 2. गॉट इट. -39 -30 डायरेक्ट एंड -9 के लिए -10 + 1. नाउ -40 सो -40 डायरेक्ट. नाउ -41 सो -10 + 6 फॉर 40 और -1 डायरेक्ट. -42 -40 एंड -2 के लिए -5 + 3. नाउ -43 -40 के लिए -10 + 6 और -3 डायरेक्टली. नाउ -44 सो -40 और -4 के लिए -10 + 6. नाउ -45 सो -40 के लिए -10 + 6 और -5 डायरेक्टली. नाउ -46 तो -40 डायरेक्ट और -6 के लिए -10 + 4. नाउ -47 तो -40 डायरेक्टली और -7 के लिए -10 + 3. ये ध्यान से देखना, -10 + 3, बीच में 0 है तो इस पे 9 आएगा. -47 हुआ. नाउ -48 -40 और -8 डायरेक्टली. नाउ -49 सो -40 और -9 के लिए -10 + 1. नाउ -50 सो -10 + 5. नाउ -51 तो -51 डायरेक्टली. नाउ -52 -50 एंड -4 -2 -10 + 8. नाउ -53 सो -50 के लिए माइनस, ये इस पे 0 है तो -10 यहां करेंगे, -10 + 5 और बीच में 9. ये -50 हो गया और -3 डायरेक्ट. नाउ -54 -50 एंड -4 के लिए -5 + 1. नाउ -55 नाउ -56 नाउ -56 डायरेक्टली. -57 -50 के लिए -10 + 5 और -7 के लिए -10 + 3. नाउ -58 सो -50 डायरेक्टली और -8 के लिए -10 + 2. नाउ -59 तो -50 के लिए -10 + 5 और -9 के लिए -10 + 1. नाउ -60 सो -10 + 4. दिस इज योर आंसर. ओके, ऐसे ही आपको 1 से लेके 60 तक माइनस करना है कंटिन्यू. ओके, और यही आपका होमवर्क है और यही आपको मैंने क्लियर करवाया है. तो अगर नहीं क्लियर हो तो दोबारा से कीजिए, वीडियो दोबारा से देखिए, दोबारा उसे देखिए, फिर वीडियो बंद करो, इत्मीनान से बैठो और अपना 1 से लेके -60 तक करो. जो भी आपका आंसर आता है उसे ग्रुप पे सेंड करना है. एक शीट की फोटो मैं आपको जब भी ये लिंक भेजूंगा उसके बाद ये एक शीट की फोटो भेजने वाला हूं, मल्टीप्लीकेशन वाली. ये एक शीट कीजिए, 100 सम है मल्टीप्लीकेशन के, 2-3 दिन हम ये 100 सम करेंगे, इतने में हमारा मल्टीप्लीकेशन पे फ्लो आ जाएगा
और उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज कीजिए, सेट कीजिए 5390 माइनस 1260 कीजिए, अपना आंसर जो भी आए टुडेज बेसिक एक्सरसाइज आंसर इज दिस, इस पे आंसर वो एक डिजिट जो होगी वो मेंशन कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए। ओके बाय बाय।